हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी इंग्लिश की बिहाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर्स को। चैप्टर एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको पूरी की पूरी नाइन्थ क्लास की बिहाइव बुक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ पर। तो पेज नंबर 10 पर थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं। पहले में हमें कुछ एक या दो वर्ड्स में या लाइन एक सेंटेंस में आंसर देना है। उसका पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। तो मार्जी और टॉमी जो है उनकी एज क्या है हमें ये बतानी है। तो मार्जी तो है वो एक लड़की है 11 साल की, और टॉमी जो है वो एक लड़का है 13 साल का। मार्जी इज़ अ गर्ल ऑफ 11 एंड टॉमी इज़ अ बॉय ऑफ 13 ईयर्स। व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। तो मार्जी अपनी डायरी के अंदर क्या लिखती है। सो मार्जी रॉट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा था कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली। रियल बुक से यहाँ पर क्या मतलब है कि ये 2157 का टाइम था जब ये मतलब स्टोरी चल रही थी हमारी, तो इस ईयर में स्टोरी जो है सिचुएटेड है उसके अकॉर्डिंगली सारा कुछ वर्चुअल है, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पर सारा कुछ, इनकी बुक्स पीडीएफ वगैरह या फिर इनके चैप्टर्स इनकी क्लासेस सारा कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पर या टेली स्क्रीन पर है। बट इस बार क्या हुआ, टॉमी को एक रियल बुक मिल गई थी, ये बात मार्जी ने अपनी डायरी में लिखी। और ये जो जिस डायरी में लिखी है मार्जी ने, ये भी टेली बुक ही है, यानी कि ये कंप्यूटर स्क्रीन में ही है। थर्ड है, हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर। तो मार्जी ने इससे पहले क्या कभी एक बुक देखी थी। सो नो मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, कि मार्जी ने आज से पहले कोई भी रियल बुक नहीं देखी हुई। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। तो ये जो बुक मिली थी मार्जी को, इससे इसमें क्या चीज़ें इसको अलग सी लगी। सो मार्जी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स प्रिंटेड ऑन अ बुक स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे डिड ऑन स्क्रीन। तो मार्जी को पहली बात तो ये अजीब लगी काफ़ी ज़्यादा कि ये जो बुक है इस पर जो वर्ड्स हैं वो प्रिंट किए हुए हैं और ये मूव नहीं करते हैं, जैसे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर मूव करते रहते हैं वर्ड्स, उस तरह ये जो वर्ड्स हैं मूव नहीं कर रहे हैं, एक जगह खड़े हैं। शी ऑल्सो फाउंड इट ऑड दैट द वर्ड्स ऑन अ पेज ऑलवेज रिमेन द सेम एज द फर्स्ट टाइम दे वर रेड। अब ये बात भी इसे स्ट्रेंज लगती है, काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है कि जो पेज हमने पहले पढ़ लिया है उसे हम वापस पलट कर देखते हैं तो भी वैसा के वैसा सेम रहता है उस पर लिखा हुआ, यानी कि मतलब एक बार जो लिखा हुआ प्रिंट हो गया वो वैसा का वैसा रहेगा, उसे बार बार बदला नहीं जा सकता, चाहे हम पढ़ें चाहे ना पढ़ें। बिसाइड्स द आइडिया दैट समवन वुड राइट अ बुक अबाउट स्कूल्स वाज इटसेल्फ स्ट्रेंज फॉर मार्जी। और तीसरी चीज़ इसे स्ट्रेंज क्या लगी कि ये जो बुक थी स्कूल्स को लेकर, यानी कि स्कूल्स पुराने स्कूल्स के बारे में कोई ना कोई नई चीज़, यानी कि उनके बारे में उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी हिस्ट्री, जैसे कि आज के टाइम में हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो मान लीजिए कि उनके लिए एक हिस्ट्री टाइप कुछ बुक मिली इन्हें कि मतलब जिसमें पुराने स्कूलों के बारे में लिखा हुआ है, वो चीज़ मार्जी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज हुई। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अ टैली बुक इज़। तो एक टैली बुक क्या होती है, अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन इज़ कॉल्ड अ टैली बुक। तो एक ऐसी बुक जो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर, टैली स्क्रीन पर, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई देती है उसे टैली बुक कहा जाता है। सिक्स क्वेश्चन है, वेयर वॉज मार्जी स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। तो मार्जी का स्कूल कहाँ था और क्या मार्जी के कोई क्लासमेट्स थे। सो मार्जी स्कूल वॉज इन हर होम इट्सेल्फ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो पहली बात तो आती है कि मार्जी का जो स्कूल था वो उसके घर के अंदर ही था, जस्ट बेडरूम के अगले रूम में। नो शी डिडंट हैव एनी क्लासमेट्स। तो दूसरी बात आती है कि उसके कोई भी क्लासमेट्स नहीं थे, क्योंकि स्कूल तो मतलब अलग बिल्डिंग में तो जाते नहीं थे ये, इनके घर पर ही जो मतलब वर्चुअल क्लासेस होती थी इनकी, इस वजह से इसकी जो इसके कोई भी क्लासमेट्स नहीं थे। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न। तो मार्जी और टॉमी क्या क्या सब्जेक्ट्स लर्न करते थे। सो मार्जी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। तो जितनी हमें चैप्टर में इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंगली हिस्ट्री का तो पार्ट आया था टॉमी के लिए, मार्जी के लिए आया था ज्योग्राफी और अरिथमेटिक का। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं ये पढ़ते हैं। अब सेकेंड मेन क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि ये जो लाइन्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके हमें आंसर बताने हैं। सो आई वुडंट थ्रो इट अवे, इसमें पहला क्वेश्चन है इस लाइन का, हु सेज दीज वर्ड्स। तो ये जो लाइन आई है पहली, आई वुडंट थ्रो इट अवे, ये किसने कही। सो टॉमी सेड दीज वर्ड्स। तो टॉमी ने ये बात कही थी।
व्हाट डज इट रेफर टू? अब इसमें जो इट आया है ये हमें क्या बता रहा है? इट रेफर्स टू द टेलीविजन स्क्रीन ऑन विच यू कैन रीड ओवर अ मिलियन बुक्स। तो ये जो इट आया है ये किसके लिए आया है? टेलीविजन स्क्रीन के लिए, कंप्यूटर स्क्रीन के लिए, जिसमें कि हम हजारों लाखों से भी ज़्यादा बुक्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं। व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर? तो जो स्पीकर है, जो नरेटर है, उसके द्वारा इसे किसके साथ कंपेयर किया गया है? सो टॉमी इज कंपेयरिंग द टेलीविजन स्क्रीन टू द रियल बुक्स। अब ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है इसे किससे कंपेयर किया जा रहा है? रियल बुक्स से, जो कि पहले के टाइम में हुआ करती थी। इन विच वर्ड्स वर प्रिंटेड ऑन अ पेपर, और वो बुक्स जिन पर कि प्रिंटेड होता था पेपर के ऊपर, यानी कि कुछ ना कुछ मटेरियल, जैसा कि आज के समय में आपकी बुक्स हैं, आपके पास अभी दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके पास प्रिंटेड बुक्स भी हैं, आपके पास मोबाइल में या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर भी सारा कुछ अवेलेबल होता है, तो आपके लिए इक्वली चल रहा है इस टाइम। और यहाँ पर जो हमें बताया गया इसमें क्या है, सिर्फ पेपर पर प्रिंट होता था। ही थॉट दैट आफ्टर रीडिंग सच बुक्स वन वुड हैव टू थ्रो देम अवे। और वो क्या सोच रहा था कि अगर एक बार कोई इन बुक्स को पढ़ ले तो उसके लिए वो बुक्स जो हैं वो किसी काम की नहीं है, उसे फेंकना ही पड़ेगा। हाउएवर ही वुड नेवर हैव टू थ्रो अवे दीज टेली बुक्स। लेकिन आखिरकार वो ये बात भी बोलता है कि जो टेली बुक्स हैं, यानी कि जो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जो उसकी बुक्स हैं, उन बुक्स को कभी नहीं फेंक सकेगा वो, क्योंकि वो हमेशा उसकी कंप्यूटर में, कंप्यूटर स्क्रीन में, टेली स्क्रीन में रहेंगी, और ज़्यादा टेली बुक्स भी वो स्टोर कर सकता है इसके अलावा। अब सेकंड स्टेटमेंट है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। ये स्टेटमेंट आई थी। सो हु डज दे रेफर टू? तो यहाँ पर दे किसके लिए रेफर किया गया है, दे किसके लिए आया है? दे रेफर टू द स्टूडेंट्स हु स्टडीड इट। पहले तो ये देखिए, ये बात कही किसने थी? ये बात जो है वो टॉमी ने बोली थी कि श्योर दे हैड अ टीचर, कि हाँ उनका एक टीचर होता था, और ये कोई रेगुलर टीचर नहीं होता था, ये इंसान ही होते थे। अब इसमें जो दे आया है, दे ये वाला दे, ये किसके लिए आया है? तो ये किसके लिए आया है? उन स्टूडेंट्स के लिए हु स्टडीड इन द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स सेंचुरीज बिफोर द टाइम द स्टोरी इज सेट इन। तो ये जो स्टोरी, ये जो प्लॉट है, ये लगभग मतलब हमारे लिए तो 2157 ईयर का जो स्टोरी बताई गई है, लेकिन इसमें साथ ही साथ पास्ट की रिमेम्बरेंस भी करवाई गई है कि सेंचुरीज से पहले, यानी कि 100 सालों से भी लगभग ज़्यादा टाइम से पहले जो है बच्चे जो हैं वो स्कूल बिल्डिंग के अंदर जाया करते थे और वहाँ पर उन्हें पढ़ाया जाता था। तो ये जो बच्चे हैं इनके लिए दे का यूज़ किया गया है। वट डज रेगुलर मीन हेयर? तो जो ये रेगुलर आया है, रेगुलर टीचर, ये किसके लिए आया है रेगुलर वर्ड? सो हेयर रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर्स दैट टॉमी एंड मार्जी हैड। तो रेगुलर वर्ड आया है वो टॉमी और मार्जी के जो मैकेनिकल टीचर हैं उनके लिए यूज़ किया गया है। द थर्ड है व्हाट इट कंट्रास्टेड विद, व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विद? तो इसका जो कंट्रास्ट है वो किसके साथ है? सो द मैकेनिकल टीचर इज कंट्रास्टेड विद द टीचर ऑफ द अर्लियर टाइम्स हु वॉज अ ह्यूमन बींग। तो मैकेनिकल टीचर्स का कंट्रास्ट किसके साथ किया गया है? पहले के टाइम के जो ह्यूमन टीचर्स होते थे उनके साथ किया गया है। अब आगे थर्ड मेन क्वेश्चन आता है, जिसका लगभग एक छोटे से पैराग्राफ या 30 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर देना है। उसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव? तो मार्जी और टॉमी के टीचर्स कैसे हैं या कैसे थे? सो मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। सो मार्जी और टॉमी के मैकेनिकल टीचर्स थे। दे वर लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली एंड हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। तो उनके जो टीचर्स होते थे वो बड़े बड़े काले रंग के अगली से होते थे, जिन पर काली सी स्क्रीन होती थी और जिन पर क्या है उन्हें लेसन्स दिखाए जाते थे और वहाँ पर उनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। सो दीज मैकेनिकल टीचर्स हैड अ स्लॉट इन विच द स्टूडेंट्स हैड टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। अब उसी मैकेनिकल टीचर की एक स्क्रीन होती थी जिस पर कि एक स्लॉट या फोल्डर सा बना होता था, जिसके अंदर स्टूडेंट को पंच कोड में अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर दिखाना होता था या सबमिट करना होता था। दे हैड टू राइट देयर आंसर्स इन अ पंच कोड। अब उन्हें अपने आंसर्स जो है वो पंच कोड में लिखने होते थे एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमिडिएटली। और जैसे वो पंच कोड में अपने आंसर्स टाइप करते थे या लिखते थे, मैकेनिकल टीचर हाथों हाथी उनके जो मार्क्स हैं वो इमिडिएटली हाथों हाथी बता देता था उन्हें। Why did Margie's mother send for the county inspector? तो मार्जी की जो मम्मा थी उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? So Margie had been given many tests in geography by the mechanical teacher, but there was no improvement in her performance. अब मार्जी जो है वो ज्योग्राफी के टेस्ट रेगुलर दे रही थी, मैकेनिकल टीचर उसे ज्योग्राफी के टेस्ट दे रहा था, लेकिन मार्जी की इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई थी उसमें, काफ़ी ज़्यादा बैड परफॉर्मेंस थी।
इट ओनली केप्ट गेटिंग वर्स, और ये काफ़ी ज़्यादा बुरी होती जा रही थी। इम्प्रूवमेंट तो क्या होना था, वो नॉर्मल भी नहीं रहा, डाउन भी हो गया। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट मार्जी मदर सेंट फॉर द अकाउंट इंस्पेक्टर टू फाइंड आउट वाई दिस वॉज हैपनिंग, और यही रीज़न था जिसकी वजह से मार्जी की मम्मा ने अकाउंट इंस्पेक्टर को बुलाया कि आइए इसको चेक कीजिए और हमें परेशानी बताइए कि क्या दिक्कत हो रही है। अब थर्ड क्वेश्चन है, वट डिड ही डू, तो इसके बाद क्या किया गया उसके द्वारा। सो द अकाउंटिंग इंस्पेक्टर गेव मार्जी एन एप्पल एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मैकेनिकल टीचर। अब अकाउंटिंग इंस्पेक्टर जो है वो आया, उसने मार्जी को एक एप्पल दिया और फिर मैकेनिकल टीचर पर अपना काम करना शुरू कर दिया। ही टुक इट अपार्ट एंड देन चेक्ड इट। अब वो यानी कि अकाउंटिंग इंस्पेक्टर जो है वो मैकेनिकल टीचर को एक साइड में ले गया जहाँ पर शांत जगह हो और फिर अपना काम करना शुरू कर दिया, चेक करने लग गया उसको। मार्जी हैड होप्ड दैट द अकाउंटिंग इंस्पेक्टर वुड नॉट नो हाउ टू पुट द मैकेनिकल टीचर टुगेदर अगेन, बट ही मैनेज टू रिसेंबल इट। अब मार्जी तो ये आस लगाए बैठी थी कि जो काउंटिंग इंस्पेक्टर है उसे समझ ही ना आए कि मैकेनिकल टीचर को दोबारा से जोड़ना कैसे है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुद में ही खुश हो जा रही थी। लेकिन उसकी सोच के विपरीत क्या हुआ, काउंटिंग इंस्पेक्टर ने उस रोबोट टीचर को या उस मैकेनिकल टीचर को वापस से रिसेंबल कर लिया, वापस से जोड़ दिया था। ही स्लोड डाउन द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ द टीचर बिकॉज इट वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक फॉर एन एवरेज 10 ईयर ओल्ड। और मैकेनिकल टीचर काउंटिंग इंस्पेक्टर ने क्या किया, जो मैकेनिकल टीचर है उसका जियोग्राफी वाला सेक्टर था उसे कुछ स्लो कर दिया, उसकी स्पीड को कुछ स्लो कर दिया क्योंकि वो थोड़ी सी ज़्यादा तेज हो गई थी, जो कि 10 साल के बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा ओवर हो गई थी। अब फोर्थ क्वेश्चन है, वाई वॉज मार्जी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी। अब मार्जी जियोग्राफी में अपनी परफॉर्मेंस बैड क्यों दे रही थी। वट डिड द अकाउंटिंग इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, और अकाउंटिंग इंस्पेक्टर ने क्या किया जिसकी वजह से मार्जी को हेल्प मिली। सो मार्जी वॉज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी बिकॉज द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। अब मार्जी जियोग्राफी में बैड परफॉर्मेंस इसलिए दे रही थी क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था उसमें जो जियोग्राफी का सेक्टर था ना वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में हो गया था, यानी कि उसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। द अकाउंटिंग इंस्पेक्टर राइटली टोल्ड हर दैट शी कुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर हर पुअर परफॉर्मेंस। अब अकाउंटिंग इंस्पेक्टर ने मार्जी की मम्मा को कहा कि इसमें मार्जी की कोई भी गलती नहीं है, मार्जी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, जो मैकेनिकल टीचर है उसका जो जियोग्राफी सेक्टर है उसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, जो कि 10 साल के बच्चे के लिए कुछ ज़्यादा थी। द अकाउंटिंग इंस्पेक्टर स्लो डाउन द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर टू एन एवरेज 10 ईयर ओल्ड। अब इसके बाद अकाउंटिंग इंस्पेक्टर ने जो जियोग्राफी सेक्टर था मैकेनिकल टीचर का उसे 10 साल के बच्चे के लिए सेट कर दिया। ही ऑल्सो टोल्ड मिसेस जॉन्स दैट मार्जीज ओवरऑल प्रोग्रेस पैटर्न वॉज सेटिस्फैक्ट्री। अब साथ ही साथ अकाउंटिंग इंस्पेक्टर ने मिसेस जॉन्स यानी कि मार्जी की मम्मा को ये भी बताया कि मार्जी की जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, अभी तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फैक्शन वाली है, उसमें आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। अब टॉमी के टीचर को एक बार क्या हो गया था। सो वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर हैड वंस ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। तो एक बार क्या हुआ था, टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर है उसमें जो हिस्ट्री वाला सेक्टर था ना वो पूरी तरह से ब्लैंक्ड आउट हो गया था, पूरी तरह से ख़राब हो गया था या गायब हो गया था, जिसकी वजह से लगभग एक महीने तक उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो उससे दूर रहा था टॉमी से, और एक महीना टॉमी को पढ़ना नहीं पड़ा था। ऐसी एक्सपेक्टेशन मार्जी भी कर रही थी लेकिन उसका मैकेनिकल टीचर हाथों हाथ सही कर दिया गया था। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो वाई। अब मार्जी के क्या डेली के रेगुलर डेज या फिर रेगुलर आवर्स फिक्स थे स्कूल के, और अगर थे तो क्यों थे। सो यस, मार्जी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, कि हाँ मार्जी के जो रेगुलर डेज थे यानी कि मंडे टू फ्राइडे वो पढ़ा करती थी, सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी, और आवर्स का हमें बताया नहीं था कि क्या टाइमिंग थी, लेकिन फिक्स आवर्स थे ये हमें बताया गया था। दिस वॉज बिकॉज हर मदर बिलीव्ड दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स हेल्प लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर। और ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्जी की मम्मा बताती हैं या मार्जी की मम्मा का मानना है कि छोटी बच्चियां अगर रेगुलर आवर्स में पढ़ेंगी, अगर फिक्स आवर्स में पढ़ेंगी तो वो आसानी से पढ़ पाएंगी। हर मैकेनिकल टीचर वॉज ऑल्सो ऑन एट द सेम टाइम एवरीडे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। अब जो मार्जी के मैकेनिकल टीचर थे वो भी डेली सेम टाइम पर आ जाते थे, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर, यानी कि सैटरडे संडे को उनकी छुट्टी होती थी। नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज,
हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. अब टॉमी ने अपनी लैंग्वेज में पुराने टाइम के स्कूलों को किस तरह से बताया है. सो टॉमी डिस्क्राइब ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एज अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल किड्स स्टडी टूगेदर. अब टॉमी ने पुराने समय के स्कूल्स को इस तरह बताया था कि जो एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पर कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ा करते थे. देयर वर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एंड प्लेइंग टूगेदर. और वहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में या सौ की संख्या में बच्चे होते थे जो कि साथ साथ पढ़ा करते थे और साथ साथ खेला भी करते थे. दे यूज टू शाउट एंड लाफ टूगेदर इन एन ओपन यार्ड. और वो बच्चे थे जब खेलते थे तब साथ साथ ही जोर जोर से चिल्लाते थे और साथ ही साथ बड़े बड़े ग्राउंड्स में खेला भी करते थे, हंसी मजाक भी किया करते थे. हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स. अब टॉमी ने पुराने समय के टीचर्स को किस तरह डिस्क्राइब किया. सो टॉमी सेड दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वॉज मैन. अब टॉमी यहाँ पर बताते हैं कि जो पुराने समय के टीचर्स थे वो किस तरह के थे. एक इंसान हुआ करता था वो, हु टॉट द स्टूडेंट्स इनसाइड अ स्पेशल बिल्डिंग. और वो जो इंसान है वो बच्चों को एक स्पेशल बिल्डिंग के अंदर एक साथ बिठाकर पढ़ाया करता था. द टीचर्स टॉट द चिल्ड्रन इन ग्रुप एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस. अब जो टीचर थे पुराने समय के वो बच्चों को ग्रुप्स में पढ़ाते थे, उन्हें होमवर्क भी देते थे और उनसे क्वेश्चंस भी पूछा करते थे उसी स्पेशल बिल्डिंग में. अब फोर्थ मेन क्वेश्चन है जिसमें आपको लगभग दो या तीन पैराग्राफ या 100 से 150 वर्ड्स के अंदर आंसर देना है. पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी. अब जो मेन फीचर्स हैं मैकेनिकल टीचर के, स्कूल रूम्स के, कौन से स्कूल रूम्स के जिसमें मार्जी और टॉमी पढ़ते हैं या फिर जो स्टोरी में बताए गए हैं उनके बारे में हमें मेन फीचर्स जो हैं वो बताने हैं. सो मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स. पहली बात तो है कि मार्जी और टॉमी हैं उनके जो टीचर्स थे वो मैकेनिकल टीचर्स थे. पहला फीचर आ गया. दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड. अब दूसरी बात आती है कि जो मैकेनिकल टीचर्स थे वो कैसे थे. बड़े बड़े थे, काले रंग के थे और उनकी जो कंप्यूटर स्क्रीन थी उन पर लेसन्स दिखाए जाते थे और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे. दे हैड अ स्लॉट इन विच स्टूडेंट्स हैड टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. अब मैकेनिकल टीचर की दूसरी बात क्या आती है कि मैकेनिकल टीचर में स्टूडेंट्स को होमवर्क या टेस्ट पेपर सबमिट करने के लिए एक स्लॉट दिया जाता था जिसमें कि वो पंच कोड में अपना मतलब स्लॉट आंसर है वो लिखा करते थे. दे हैड टू राइट देयर आंसर्स इन ए पंच कोड. चौथी बात या नेक्स्ट बात क्या आती है कि उन्हें अपने आंसर्स पंच कोड में लिखने होते थे एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली. अब अगला फीचर क्या आया कि मैकेनिकल टीचर जैसे ही उसे पंच कोड मिलता था आंसर्स का तो वैसे ही हाथों हाथ वो अपने मार्क्स जो है मतलब जिस स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो कैलकुलेट कर देता था. देयर स्कूल्स वर इन देयर होम्स इटसेल्फ. अब दूसरी बात आती है इनके स्कूल्स को लेकर. तो मार्जी और टॉमी के स्कूल्स थे वो घर के अंदर ही थे उनके. दे डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स. अब ये दूसरा फीचर आता है इनका कि उनका कोई क्लासमेट नहीं था. दे लर्न ज्योग्राफी हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक. ये अगला फीचर आता है इनका कि कौन कौन से सब्जेक्ट रीड करते थे, ज्योग्राफी हिस्ट्री और अरिथमेटिक. दे हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल. अगला फीचर क्या मिला हमें कि इनका जो टाइम था वो रेगुलर था यानी कि रेगुलर डेज में पढ़ते थे मंडे टू फ्राइडे और रेगुलर आवर्स में पढ़ते थे उसमें भी घंटे इनके पढ़ने के फिक्स होते थे. सो मार्जी स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. अब मार्जी के स्कूल की लोकेशन बता दी गई हमें कि उसका स्कूल कहाँ था, उसके बेडरूम से जस्ट अगले रूम में. द मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्न्ड आउट एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडेज एंड सैटरडेज बिकॉज हर मदर सेड दैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर व्हेन दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. अब अगली बात हमें क्या पता लगी कि एक तो सैटरडे संडे को उनकी छुट्टी होती थी और उसके अलावा हमें क्या पता लगा कि मंडे टू फ्राइडे 5 दिन क्या है मैकेनिकल टीचर डेली सेम टाइम पर ही उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक कर जाता था या आ जाता था. उससे अगला फीचर हमें क्या पता लगा दैट हर मदर सेड दैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर व्हेन दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. कि मार्जी की मम्मा ने ये बात बताई थी कि अगर छोटी बच्चियां रेगुलर टाइम पर पढ़ेंगी डेली या फिर फिक्स आवर्स में पढ़ेंगी डेली तो वो अच्छे से या बेटरली पढ़ पाएंगी. अब सेकंड और हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये शायद. सो व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल. तो मार्जी को स्कूल क्यों नहीं पसंद था. व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स मस्ट हैव बीन फन. और उसे ऐसा क्यों लगा कि जो पुराने समय के स्कूल थे उसमें काफ़ी ज़्यादा फन हुआ करता था, मस्ती होती थी. सो मार्जी हेटेड स्कूल बिकॉज इट वॉज नॉट फन. अब मार्जी स्कूल को नापसंद करती थी क्योंकि इसमें कोई भी फन नहीं था. अ मैकेनिकल टीचर यूज टू टीच हर एवरी डे एट अ फिक्स्ड
टाइम। अब मैकेनिकल टीचर था वो डेली सेम टाइम पर आता था, फिक्स टाइम पर आता था और डेली उन्हें पढ़ाता था। शी हैड बीन डूइंग बैडली इन द ज्योग्राफी टेस्टेस दैट हर मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर। अब वो अपने ज्योग्राफी के टेस्टेस में बहुत ही पूर परफॉर्मेंस शो कर रही थी जो कि मैकेनिकल टीचर द्वारा उसे दिए जा रहे थे। हर मदर वॉज नॉट हैप्पी विद हर परफॉर्मेंस एंड सेंट्स फॉर द अकाउंट इंस्पेक्टर। अब इस बात से मार्जी की मम्मा को बहुत बुरा लगा, वो उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थी मार्जी की परफॉर्मेंस से, इसीलिए मार्जी की मम्मा ने अकाउंट इंस्पेक्टर को भी बुला लिया। शी होप्स दैट द इंस्पेक्टर वुड टेक द मैकेनिकल टीचर अवे। अब मार्जी को ऐसा लगा कि जो अकाउंट इंस्पेक्टर है वो मैकेनिकल टीचर को यहाँ से थोड़ा दूर कुछ समय के लिए ले जाएगा। शी इज डिसअपॉइंटेड व्हेन द अकाउंट इंस्पेक्टर मैनेज टू असेंबल द पार्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर। लेकिन मार्जी थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई इस बात से कि जो अकाउंट इंस्पेक्टर है उसने वापस से इसे असेंबल कर लिया था, यानी वापस से मैकेनिकल टीचर को सही कर जोड़ दिया था, उसके सभी पार्ट्स को अच्छे से सेट कर दिया था। क्योंकि मार्जी क्या चाहती थी कि टॉमी का जैसे हिस्ट्री वाला सेक्टर ब्लैंक आउट हुआ था तो महीना भर उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो उसे पढ़ाता नहीं था या वापस घर पर नहीं आया था, ऐसा ही कुछ मेरे साथ होगा, मार्जी ने भी ऐसा सोचा। लेकिन उसकी सोच के बिल्कुल विपरीत हुआ। द पार्ट दैट शी हेटेड द मोस्ट वॉज इंसर्टिंग द होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स इन द स्लॉट ऑन द मैकेनिकल टीचर। अब इसमें जो मार्जी को सबसे बुरा पार्ट लगता था वो क्या था कि जो स्लॉट है मैकेनिकल टीचर का स्लॉट है या फोल्डर है उसके अंदर होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर्स जो है सबमिट करवाना। शी डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट शी हैड टू राइट हर आंसर्स इन अ पंच कोड। अब उसे ये बात भी बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसे अपने आंसर्स जो है वो पंच कोड में लिखने पड़ेंगे। शी थॉट दैट द ऑल काइंड ऑफ स्कूल्स मस्ट हैव बीन फन एज शी इमेजिन्ड ऑल द किड्स फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड कमिंग टुगेदर लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। अब फिर वो पुराने ख्यालों में खो गए कि पुराने समय के स्कूल कैसे होते होंगे, उनमें काफ़ी ज़्यादा फन होता होगा, सभी बच्चे एक साथ पड़ोसियों के बच्चे या फिर हम एक साथ निकलकर स्कूल जाते होंगे, वहाँ पर खेलते होंगे, हंसते होंगे, स्कूल यार्ड में चिल्लाते होंगे, मस्ती करते होंगे। शी इमेजिन्ड दैट दे वुड सिट टुगेदर इन द क्लासरूम एंड गो होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। अब वो ये भी सपोज करने लगी, ये भी इमेजिन करने लगी कि क्लासरूम के अंदर हम सभी बच्चे एक साथ बैठते होंगे या फिर सभी बच्चे एक साथ बैठते होंगे और जब छुट्टी होती होगी तब सभी बच्चे एक साथ घर वापस आते होंगे। दे वुड लर्न द सेम थिंग्स एंड कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। अब वो ये भी सोचने लगी कि जो बच्चे हैं वो सभी एक दूसरे की हेल्प करते होंगे होमवर्क करने में, एक दूसरे से डिस्कस करते होंगे और अच्छे से एक दूसरे को सुनाकर या फिर बातें करके याद करते होंगे। Also the teachers were people. अब ये बात भी हमें पता लगी कि इस स्टोरी में ये बताया गया कि पुराने समय में जो टीचर्स थे वो ह्यूमन थे, पीपल थे। All these aspects made her believe that the old kind of schools must have been fun. और ये सारे जितने भी aspects थे, जितने भी हमें material मिला, things मिली, उससे हमें क्या पता लगता है कि पुराने समय के जो स्कूल थे उनमें काफ़ी ज़्यादा फन हुआ करता था। किस समय के अकॉर्डिंग, 2157 के अकॉर्डिंग ये बात बोली जा रही है कि पुराने समय के स्कूल में है फन हुआ करता होगा। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने लिए। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेक कर लीजिएगा। सारे के सारे चैप्टर्स आपको वहीं देखने को मिल जाएंगे बिहाई बुक के। थैंक यू।